पिछले दिन पत्रकार उपर हुए हमले के संबंध में मोगा के नेचर पार्क विखे वख वख जथेबंदियां ते पत्रकारां वल्लों रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके बुलारिया ने बोलदियां कहा कि अजिही औखी घड़ी समय भी पत्रकार अपनी जान जोखम विच पाके बिना किसी लालच के अपनियां ड्यूटियां नूं निभा रहे हैं, पर पुलिस मुलाजमां वल्लों इस पत्रकार उपर हमला करना बहुत ही निंदनयोग घटना है। अज मोगे जिले दियां जमहूरी जनतक जथेबंदियां वल्लों साडे नेचर पार्क च इत्थे अज रोस प्रदर्शन किया जा रहा। उहदा कारण साडे प्रेस दे साथी मेजर सिंह पहरेदार दे ते जय सिंह छिब्बर पंजाबी जागरण तो उन्हां दो पत्रकार जिहड़े अपनी ड्यूटी निभा रहे सी निरपक्ष प्रेस रिपोर्टिंग करन गए सी, उन्हां दी पुलिस वल्लों तानाशाही रवैया धारते हुए कुटमार की गई है साथियों की, तो मेजर सिंह के ककारा की बेअदबी की गई है। तो उस रोस प्रदर्शन के अज जनतक जथेबंदियों वालों ये रोस प्रदर्शन किया जा रहा। तो जोरदार ढंग ना साड़ी मंग आ कि सस्पेंड करना कोई सज़ा नहीं, जिहड़े दोने पुलिस के ASI आ उन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज की जाए, तो 295 धारा जिहड़ी ककारा की बेअदबी करन दी धारा उहदे विच ऐड की जाए। उस नूं लैके अज मोगे जिले दीआं लगभग सारियां समाजिक जनतक किसानां दीआं मजदूरां दीआं मुलाजमां दीआं जथेबंदियां दे इह इक संकेतक प्रदर्शन आ साडा। रोस वजों अज असी तमाम जिहड़े पत्रकार मोगे दे हैगे ते नाल किसान जथेबंदियां नूं लैके असी रोस मुजाहरा कर रहे हां। मंग करदे हां कि 295 इह धार्मिक भावनां नूं हर्ट करन दे तहत जिहड़े दोने पुलिस मुलाजम आ उन्हां ते कारवाई की जाए। क्यों ना की जाए कारवाई, क्यों सच नूं रोकण दी कोशिश की गई है, सच लिखिया तां उसकी सज़ा जिहड़ी है पत्रकारां नूं हमेशा मिलती आई है। चाहे आपां पुरानियां गल्लां भी कर लईए तां पुरानियां गल्लां च भी जिहड़े पत्रकार आ उन्हां नाल बेइंसाफी हुंदी आई है, धक्का हुंदा आया। तां असीं अज मंग करदे हां कि 295 इहदी जिहड़ी है कारवाई मुलाजमां ते की जाए, सस्पेंड करन दा कोई हल नहीं हुंदा। इस प्रशासन ने कहना सस्पेंड करता कि वाजिब कोई नहीं कार्रवाई, मैं थोड़ा उही कह रहा कि सस्पेंड करना कोई हल नहीं चीज़ का। सस्पेंड करना की हो जाए या तो नौकरी तो बिल्कुल बर्खास्त कर देना उन्होंने, सस्पेंड करना तो उन्होंने अद्धी तनखा मिली जाऊगी, की फायदा होया वह सच लिखण की। जे यही सज़ा मिलनी है तो फिर पत्रकारी का मेरे ख्याल घाण किया गया इस चीज़ का। तो मैं मंग करता कि 295 यदि इन्होंने दोनों ASI खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकारता ते हमले बंद करो, लोकां दी आवाज दबाउण वाली सरकार मुर्दाबाद, लोक एकता जिंदाबाद, संघर्षशील जथेबंदियां दा एका जिंदाबाद। आज जिहड़ा चमकौर वाला पत्रकार है जय सिंह, ये बहुत धड़क पत्रकार है, मेरा पिंड है उधर, मैं इहदे बारे सुणिया। ये जिहड़ी गल हुंदी है छाप दिंदा है, ये उन्हें क्या जरा नड़क है यदि नड़की थोड़ी जी क्ढ़ीए क्यों तो पर्चा करता। पर लोग आवाज ने जिमें थुक के चटने वाली गल कराई है, आ जी लोग आवाज उठी है उन्हें फिर वह सारा कुछ मसला जानी हल किया, जानी ये चौथा थम यदा गल घुटिया जा रहा है। अज मोगा शहर के मोगा जिले के समूह पत्रकार भाईचारे वालों सारे जिले दियां समाजिक धार्मिक दूजियां भरातरी जथेबंदियों नूं नाल लैके पत्रकारां ते हो रहे हमलों के विरुद्ध रोस प्रदर्शन किया जा रहा। इस विच पंजाब के 3 पत्रकारां ते हमले हो चुके हैं, जिन्हां दे विच ताज़ा मिसाल जिहड़ी वो मोहाली के जिहड़े पत्रकार ने उन्हां ते सीनियर पत्रकार मेजर सिंह ते होए हमले के विरोध में अज मोगे दीआं समूह जथेबंदियां इकट्ठियां हुई हैं। और समूह जथेबंदियां ते पत्रकार भाईचारा ये मंग करदा है कि उन्हां पुलिस कर्मचारियों ते उन्हां पुलिस अधिकारियों ते परचे दर्ज करके बनदियां धाराओं के मुताबक उन्हां नूं सजावां दित्तियां जाण, तां जो ये जिहड़ा हिंदुस्तान का चौथा थम है, लोकतंत्र का चौथा थम पत्रकारता है, इस नूं बचाया जा सके। जे इस तरह ही पत्रकारां ते हमले हुंदे रहे तां उह दिन दूर नहीं जदों देश विच अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि पत्रकार ही लोगों नूं वापर रही घटनावां तों जाणू करवाउंदे आ। उही जो कुछ भी देश में चंगा मंदा वापरदा है उहदे बारे लोगों नूं सूचित करदे आ। जे लोगों नूं सूचना ही मिलनों हट गई तां तुसीं इह समझो कि इत्थे इक डिक्टेटर किस्म दा राज शुरू हो जाएगा। और असी समूह जथेबंदियां समूह पत्रकार भाईचारा ये मंग करते हैं कि जिहड़े भी दोषी पुलिस अधिकारी है उन्हां दे खिलाफ़ परचे दर्ज करके उन्हां नूं बनदी सज़ा।
ਪੰਜਾਬ ਦਰਪਣ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।